दोस्तों, गुजरात के सरदार सरोवर डैम के पास बनी सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। और गुजरात के ही मोटेरा में बनी नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें 132,000 लोग एक साथ बैठकर क्रिकेट का मजा ले सकते हैं। इसके साथ ही मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सऊदी अरब का रियाद मेट्रो और दिल्ली की लोटस टेम्पल जैसी खूबसूरत इमारत को बनाने वाली कंपनी है L&T लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। यह नाम सुनकर शायद आपको ऐसा लगेगा कि यह कोई विदेशी कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। L&T भी टाटा, बिरला और रिलायंस जैसी अपने देश की ही एक कंपनी है, जिसने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काफी काम किया है। वैसे देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन का काम L&T का बैकबोन है और उनके डिजाइन, आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग का लोहा दुनिया मानती है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी, डिफेंस, पावर और फाइनेंस जैसी फील्ड्स में भी L&T काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। आप जानकर हैरान होंगे कि देश का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की बात हो या फिर न्यूक्लियर पावर सबमरीन INS अरिहंत का निर्माण हो, हमारी सरकार ने L&T पर ही भरोसा जताया है। यहाँ तक कि मंगलयान और चंद्रयान प्रोजेक्ट भी L&T के सपोर्ट के बिना पूरा नहीं हो सकता था। आज की हमारी इस वीडियो में भी हम L&T के ही बिजनेस एम्पायर और सक्सेस जर्नी के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, L&T के स्टोरी की शुरुआत 1934 में हुई, जब डेनमार्क की एक मशीन बनाने वाली कंपनी ने एक सिविल इंजीनियर सोरेन क्रिस्टन टुब्रो और एक केमिकल इंजीनियर हैनिंग होल क्लार्सन को एक सीमेंट कंपनी के इंस्टॉलेशन और मर्जर के सिलसिले में इंडिया भेजा। दरअसल लार्सन एंड टुब्रो दोनों कॉलेज फ्रेंड्स थे। जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो डेनमार्क पर जर्मनी का कब्जा हो गया और ये दोनों दोस्त वापस नहीं लौट सके। इंडिया में ही रिफ्यूजी की तरह रहने लगे और यहीं रुककर कोई बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला लिया। लेकिन उनके पास ज्यादा पैसे तो बचे नहीं थे, इसलिए मुंबई में एक छोटे से रूम से उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में L&T की शुरुआत की, जिसे 1946 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। क्योंकि इंडिया में भी अंग्रेजों का शासन था, इसलिए हम ज्यादातर सामानों के लिए यूरोपियन कंट्रीज पर ही निर्भर थे। लार्सन एंड टुब्रो इंडिया की जरूरतों को अच्छी तरह से समझते थे और बिजनेस कैसे करना है ये भी उनको अच्छी तरह से पता था। वे कई यूरोपियन कंट्रीज के एजेंट बन गए और लोगों के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सामान का इंपोर्ट करने लगे। डेनमार्क से भी डेयरी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स मंगाकर वह इंडिया में सप्लाई करते थे। वार का समय था, जिसकी वजह से काफी सारे शिप्स डैमेज हो गए थे, जिनके मरम्मत की जरूरत थी। लार्सन एंड टुब्रो को इसमें भी एक मौका दिखा और छोटा सा वर्कशॉप खोलकर शिप रिपेयरिंग का काम भी शुरू कर दिए। लेकिन इस काम को उन्होंने अपने कोर बिजनेस के साथ मर्ज नहीं किया, बल्कि इस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए उन्होंने हिल्डा लिमिटेड नाम की एक सेपरेट कंपनी बना दी। माना जाता है कि टाटा ने ही L&T को इंस्टॉलेशन के फील्ड में उतरने का मौका दिया था, जिससे उनकी किस्मत बदल गई। दरअसल टाटा ने किसी जर्मन कंपनी को एक सोडा ऐश यानी कि वॉशिंग सोडा प्लांट लगाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन वर्ल्ड वार की वजह से जर्मन इंजीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और टाटा ने इसी काम को L&T को सौंप दिया था। अब L&T के हिसाब से तो यह एक बड़ा काम था, और उससे भी बड़ी बात ये थी कि उन्हें टाटा ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अच्छी क्वालिटी के साथ इस प्रोजेक्ट को समय से पहले ही पूरा करके दे दिया। पूरे देश में L&T की तारीफ होने लगी और उन्हें और भी प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। दोस्तों, L&T ने सिविल कंस्ट्रक्शन को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा और इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि ECC के नाम से एक अलग सब्सिडियरी बना दिए, जो आज भी L&T की मेन कंस्ट्रक्शन डिवीजन है। और ECC के द्वारा बनाए गए पहले पुल की कहानी बड़ी ही दिलचस्प और फिल्मी है। दरअसल 1957 में एक अमेरिकन प्रोड्यूसर सैम स्पीगल की एक फिल्म आई थी, द ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई। असल में उस फिल्म में दिखाए गए लकड़ी के पुल को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ECC को मिला था, जिसे बनाने में लगभग 8 महीने का समय लगा और इस पुल को डायरेक्टर डेविड लिन की टीम द्वारा उड़ाने में सिर्फ 30 सेकंड का समय लगा। शुरुआत में इस पुल को बनाने का बजट 8 लाख रुपए था, लेकिन इस पर 16 लाख रुपए खर्च हो गए। और जब सैम स्पीगल ने एक्स्ट्रा लगे पैसे का पेमेंट करने से मना कर दिया, तब सोरेन टुब्रो को समझौते के लिए श्रीलंका जाना पड़ा। लेकिन सैम स्पीगल उन पर भी चिल्लाने लगे और बोले कि एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तब टुब्रो ने बड़े प्यार से बोला कि तब आप क्लाइमेक्स के लिए पुल को उड़ा भी नहीं पाएंगे, और कोर्ट का स्टे ऑर्डर उन्हें पकड़ा दिया। कुछ दिन तक शूटिंग रुकी रही और अंत में हार मानकर सैम स्पीगल ने पूरा पेमेंट किया। और जानते हैं दोस्तों, इस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड जीता और 1957 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। भारत में कामयाबी को देखकर देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनीज L&T के साथ काम करना चाहती थी। आजादी के बाद कंपनी ने अपना एक्सपेंशन करते हुए कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में भी अपना ऑफिस शुरू कर लिया। और 1950 में मुंबई के पवई इलाके में IIT मुंबई की स्थापना के लिए जब सरकार ने जमीन एक्वायर किया, तो L&T ने भी आसपास के जंगल का खाली पड़ा 55 एकड़ जमीन खरीद लिया। चारों तरफ दलदल और कूड़े का अंबार था, लेकिन जब L&T ने उस एरिया को डेवलप करना शुरू किया तो सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला और आज पवई की दशा बिल्कुल बदल चुकी है। 1950 में ही L&T एक पब्लिक कंपनी बन गई और कुछ दिनों बाद मुंबई ऑफिस को बलार्ड स्टेट के ICI हाउस शिफ्ट कर दिया गया, जिसे बाद में L&T ने ही खरीद कर अपना हेडक्वार्टर L&T हाउस बना दिया। 1965 में लार्सन और टुब्रो के डेडिकेशन को देखकर डॉक्टर होमी भाभा ने उनसे न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में सपोर्ट करने के लिए कहा। हालांकि उस दौर में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना घाटे का सौदा था, लेकिन देश की जरूरत को देखते हुए L&T ने फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किया। और 70 के दशक में विक्रम साराभाई ने L&T को ISRO के साथ काम करने का मौका दिया। इस तरह L&T देश की न्यूक्लियर और स्पेस प्रोग्राम के साथ भी जुड़ गई। और 1985 आते आते L&T DRDO के साथ
डिफेंस इक्विपमेंट के डिजाइन और डेवलपमेंट पर भी काम करने लगी। और आज वह देश के लिए कई तरह के डिफेंस वेपन्स, मिसाइल सिस्टम्स, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, इंजीनियरिंग सिस्टम्स और सबमरीन का निर्माण करती है। दोस्तों, L&T के बढ़ते कद को देखते हुए देश की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिलीज अंबानी और बिरला ने L&T के होस्टाइल टेकओवर की असफल कोशिश भी की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि होस्टाइल टेकओवर का मतलब होता है जब कोई कंपनी स्वतंत्र रूप से काम करना चाहती है, लेकिन कोई ज्यादा पूंजी वाली कंपनी या इंसान मार्केट से उनके शेयर परचेज करके उन पर अपना कंट्रोल कर ले तो यह होस्टाइल टेकओवर कहलाता है। 90s के दशक में तो L&T रिलायंस के हाथों में जाते जाते रह गई थी। कंपनी के उस दौर के CEO AM नाइक की अगर बात माने तो धीरू भाई अंबानी L&T के एक्विजिशन को लेकर काफी सीरियस थे और एक सोची समझी प्लान के तहत अपने दोनों बेटों मुकेश और अनिल अंबानी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जगह भी दिला दिए थे। हालांकि L&T बोर्ड इस बात को अच्छी तरह समझ रहा था कि अंबानी कंपनी पर पूरा होल्ड चाहते हैं। धीरे धीरे कंपनी में अंबानी की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 19% तक हो गई। लेकिन 1989 में पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ इस तरह बदला कि धीरू भाई अंबानी के हाथ से यह मौका निकल गया, क्योंकि उस वक्त L&T की सबसे बड़ी शेयर होल्डर LIC आगे आई और सरकार के इंटरफेयर के बाद अंबानी को L&T से बाहर जाना पड़ा। हालांकि L&T का मुश्किल दौर अभी खत्म नहीं हुआ था। रिलायंस ने जब अपनी हिस्सेदारी कम की तो आदित्य बिरला ग्रुप ने उस हिस्सेदारी को खरीद लिया। ऐसे में AM नाइक ने अपने कर्मचारियों को समझाया कि यदि हम सब मिलकर कंपनी का शेयर खरीद लें तो कोई बाहरी कंपनी को खरीदने की कोशिश नहीं करेगा। उनकी बात का असर हुआ और L&T एम्प्लॉयज ट्रस्ट ने बिरला की पूरी हिस्सेदारी खरीद ली और एक सेटलमेंट के तहत अपना सीमेंट बिजनेस यानी कि अल्ट्राटेक सीमेंट बिरला को सौंप दिया। दोस्तों, रिलायंस या बिरला ने L&T को हासिल करने के लिए जो प्रयास किया उसे सही या गलत के तराजू पर तौलना ठीक नहीं, क्योंकि यह धंधा है और अपनी एम्बिशन और विजन को पूरा करने के लिए कंपनीज तेजी से उभरते हुए अपने कंपटीटर्स को रास्ते से हटाना चाहती है। और अगर हम L&T की ही बात करें तो 2006 में L&T ने स्पेक्ट्रम इन्फोटेक नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी को एक्वायर किया था और 2019 में माइंडट्री नाम की एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी का होस्टाइल टेकओवर कर अपने में मर्ज कर लिया था। दोस्तों, आज L&T 100 से ज्यादा सब्सिडरीज के साथ दुनिया के 50 देशों में काम कर रही है और $20 बिलियन के रेवेन्यू के साथ ही 300,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। इंडियन गवर्नमेंट $5 ट्रिलियन के GDP का जो टारगेट लेकर काम कर रही है वह इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के दम पर ही पूरा हो सकता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल चाइना है जो पिछले 30 सालों में ही हमसे 5 गुना आगे निकल गया। लेकिन आज दुनिया भर में चीन के खिलाफ बने सेंटीमेंट का फायदा L&T हमें दिला सकती है, क्योंकि दुनिया भर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करके उन्होंने अपने आप को साबित किया है। अब दोस्तों, लार्सन एंड टुब्रो के बिजनेस एम्पायर को एक वीडियो में समेटना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वीडियो के आखिर में L&T द्वारा कंप्लीट किए गए कुछ प्रोजेक्ट्स को देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।